आजाद। सर कितने यार, मैं मुंबई पहली बार ट्रेन में आया था तो मैंने सुना 17 घंटे की जर्नी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मतलब बड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद ट्रेन में जा रहा हूँ। 1-2 बार मैं बाहर गया हूँ अपने बच्चों के साथ, तो ये बहुत लंबी जर्नी है एंड बट वी हैव फन। आई थिंक सारी टीम है रईस की, तो मज़ा आएगा और इन्जॉय करते जाएंगे अलग अलग सिटीज़ को देखते हुए। बहुत यार, मैं ताजमहल गया था ट्रेन में अपनी पहली इनकम के साथ। फिर मैं जब पहली बार मुंबई आया था तो मैंने ये किस्सा पहले भी बताया हुआ है कि मुझे मालूम नहीं था कि जब मुंबई में ट्रेन आती है तो लोकल हो जाती है। हम फिर भी बर्थ पर बैठे हुए थे तो बहुत डांट पिटी थी सारे लोकल से मुझको। मुझे मालूम नहीं था कि जब लोकल हो जाती तो एक सीट पर बैठते हैं। हमने बर्थ बुक किया था और बहुत सारे किस्से हैं। जब मैं दिल्ली में था तो बहुत ट्रेन में ट्रैवल किया था और ऑफकोर्स दिलवाले दुल्हनिया में बहुत ट्रैवल किया था ट्रेन में। ओके, शाहरुख फिल्म अगर रईस की बात करें, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छी वाइब्स है फिल्म को लेकर। बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डायलॉग की बात हो या गानों की बात हो, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। आर यू नर्वस? इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं फिल्म से लेकर लोगों को। या जब दुनिया स्टार बनाती है तो फिर उम्मीदें तो होनी चाहिए ना। अगर उम्मीद नहीं हुई हमसे तो फिर किससे होगी? बट नो, आई एम नॉट नर्वस। आई होप अलग सी फिल्म में थोड़ी सी सब्सटेंस है, थोड़ा सा पॉपुलर मसाला है, तो दोनों का मिक्स अच्छा हो गया। नई तरह की फिल्म है तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। अभी जो रिस्पांस मिल रहा है, सब एडवांस बुकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक फिल्म है, अच्छी लगेगी लोगों को। एक सीन है यार ट्रेन के अंदर, हाँ ट्रेन में एक सीक्वेंस है जिसमें मैं बिरयानी खाता हूँ ट्रेन में बैठ के। नहीं यार, मुझे नहीं लगा था। हमने आई थिंक अपने गाँव में शूट किया था, मुझे अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ तो। नहीं, मुझे नहीं मालूम था और बहुत कम वक्त था, हमको सिर्फ 8 घंटे में सब खत्म करना था, तो बहुत भागम दौड़ में काम खत्म किया था। और वो अभी भी वो काजोल पीछे भाग रही है, मेरा हाथ बाहर। मुझे नहीं मालूम था इतना अच्छा लगेगा। शादी के इन्विटेशन को भी आप टिकट भेज रहे हैं और इस तरह से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जैसे कपल मैरिड इन वैली, और वो खास इतने बड़े फैन हैं आपके, रईस के दिन भी शादी कर रहे हैं और इनवाइट की जगह पे टिकट भेज रहे हैं। क्या अच्छा, मुझे उसका मालूम नहीं है। मुझे मालूम है कोई कर रहा था लोगों को इन्वाइट, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो उनकी शादी। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा पीछे आ जाओ प्लीज।